बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आपके पास कुछ भी पैसा पड़ा हुआ है, लाख रुपया है, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, तो आप उस पैसे के साथ क्या करें? देखिए, बिजनेस में ना या इन्वेस्टमेंट में ना आपको पैसे को किसी काम में लगाना होता है। आइए इस पर बात करते हैं कि आप पैसे को ग्रो कैसे करें। देखिए, अगर आपके पास कुछ भी पैसा है, थोड़ा है, ज़्यादा है, जो भी है, लेकिन आपका ज़हन होना चाहिए कि उससे पैसे से फर्दर पैसा आपको कमाना आना चाहिए। सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट के अंदर हुआ करती है। आप लाख रुपए, 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख से कुछ भी और कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिनिमम 15 लाख से डाउन पेमेंट है, और उससे आगे आप फर्दर जो है फिर आप अपनी इंस्टॉलमेंट देंगे क्वार्टरली, और आपका पैसा ग्रो करेगा। दरअसल होता यह है कि वैसे तो लोग लाख से भी 2 लाख बना सकते हैं, 2 लाख से 4 बना सकते हैं, लेकिन आम तौर पर जो हमारे पाकिस्तान के अंदर है ना, लोगों को ट्रेडिंग का, बिज़नेस का, चीज़ों को बेचने का, कहाँ से चीज़ कितने की आती है और कितने की बिकती है, ये ज़्यादा लोग इस इन इंटीग्रिटीज़ में जाते नहीं हैं। पता नहीं क्यों, हमारी अप्रोच पता नहीं किस तरह की है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी पैसा है, आपके 50,000 रुपये भी हैं, उससे भी आप काम शुरू करके चीज़ें ला के सस्ती आगे रीज़नेबल मार्जिन पे बेच के पैसे को बढ़ा सकते हैं, और ये आपकी पार्ट टाइम इनकम हो सकती है। और अगर आप फिर नहीं है इस तरह का कुछ भी करना चाहते, तो फिर आप हमारे पास इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप 15 लाख रुपये डाउन पेमेंट देंगे। बाकी हम आपको पूरा फार्मूला बता देंगे कि आप बाकी आपने क्वार्टरली जो है ना वो इंस्टॉलमेंट देनी है, ताकि आपकी एक अच्छी चीज़ बन जाए। देखिए, जब आपका कोई प्लान होता है ना पैसे का, को इन्वेस्ट करने का या पैसे को कहीं ग्रो करने का, तो आपके पास फिर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। कुछ लोग पैसे को रखे रखते हैं, वो पैसा डीवैल्यू हो रहा है आपका। वो बड़ी ख़तरनाक तरीका है, जो जिससे महंगाई से आपका पैसा आजकल 20 से 27% 25% का तो नॉर्मली महंगाई है, इतना पैसा आपका डीवैल्यू हो रहा है। तो लिहाजा उसको आपको सही डायरेक्शन में लगाना चाहिए, ताकि वो डीवैल्यू नहीं हो, बल्कि वो पैसा आपके साथ आपको पैसा कमा के दे। तो वो इस सूरत में होगा कि अगर आप उसको सही डायरेक्शन में लगाएंगे। अब आप कहते होंगे कि भाई, डाउन पेमेंट तो हमने 15 लाख रुपये दे दिया, तो बाकी कहाँ से आएगा? देखिए, जब आप किसी प्रोग्राम में चले जाते हैं ना, तो पैसा खुद ब खुद आपके पास आता है। तो आपके पास कोई रीज़न होनी चाहिए, सॉलिड रीज़न। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो पैसा आपके पास आता है कि भाई आपने इंस्टॉलमेंट देनी है, या जैसे कमेटी डाली होती है आपने देनी है। दूसरा, आप इनकम के मुख्तलिफ ज़राए सोचते हैं कि कहाँ से और इनकम आ सकती है। जो भी आपकी एक इनकम है, उसके साथ आप एक मल्टीपल इनकम शुरू करते हैं, ताकि वो पैसा आपके पास आए और वो आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करें, और आपकी एक करोड़ों रुपये में चीज़ बन जाए। बस यही करना होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इन्वेस्टमेंट के काम को, सिंप्लीफाई करना है, और उस सिंप्लीफाई के अंदर आपका जो आपका किरदार है वो आपने अदा करना है। बाकी मार्केट खुद करेगी, बाकी वक्त करेगा, बाकी वो पैसा आपका जो है वो ग्रो होगा, और कुछ ही अर्से के बाद वो जो आपका असासा होगा वो इतना महंगा हो जाएगा कि दूसरे लोग ख़रीद नहीं पा रहे होंगे, और वो आपको बड़ी हसरत से देखेंगे कि आपने कैसे ख़रीद लिया। तो यही तरीका है वो प्रॉपर्टी खरीदने का, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, कि थोड़े थोड़े पैसे से आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं, कुछ अर्से के बाद वो बड़ा पैसा बन जाता है। फिर वो बड़ा पैसा जब बन जाता है, तो वो आप दूसरों को नज़र आना शुरू हो जाता है, वो कहते हैं कि यार हम तो नहीं कर सके, आपने कैसे कर दिया। तो सेविंग प्लान पर डालना होता है, एक्सपेंडिचर को कट डाउन करना होता है, आमदनी को इन्हेंस करना होता है, और उसको फिर सही डायरेक्शन में लगा के कोई इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर कोई चीज़ ले लेनी होती है, रीज़नेबल जगह से, अच्छे बिल्डर के साथ, ताकि आपका पैसा सेफ भी रहे। सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। हम अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आपको दी हैं कि आपको कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना है, ताकि आपका पैसा ग्रो करे और आप ज़िंदगी में खुशहाल हों, और आपके लिए असासे बने, और असासे कल को रेंट पे करेंगे, और आपकी साइड इनकम आती जाएगी, और आपकी ज़िंदगी आसूदा और खुशहाल हो जाएगी। प्रॉपर्टी वी एन टी वी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।